बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तीस्ता से तलवार केस को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला 24 जून 2022 को दिया गया, जिसमें जाकिया जाफरी द्वारा प्रस्तुत याचिका को खारिज किया गया। इस फैसले के बाद कुछ टिप्पणियां की गईं, जिनमें मानव अधिकार की रक्षा करने का ठेका लेकर बैठे कुछ लोगों का असली चरित्र सामने आया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि विगत 2 दशकों से एक सियासी षड्यंत्र और प्रयास विश्व के सबसे सम्मानित नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलाया जा रहा था। इसका संज्ञान लेकर सर्वोच्च अदालत ने यह टिप्पणी की है। ये जो 2 दशकों से कड़ाई को गर्म रखने का एक राजनीतिक षड्यंत्र और प्रयास विश्व के सबसे सम्मानित नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चलाया जा रहा था, इसका संज्ञान देश की सर्वोच्च अदालत ने लेकर यह टिप्पणी करी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एसआईटी ने एक थरो इन्वेस्टिगेशन करी है, थरो इन्वेस्टिगेशन हुई है, और सर्वोच्च न्यायालय का जो भाव था कि यह दुखद है कि जो भी इस एसआईटी में बहुत ही सम्मानित अधिकारी कार्य कर रहे हैं उन पे अनर्गल आरोप लगाना। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया है, पीड़ितों के दर्द का भाव लगाते हैं ताकि रुपए कमाएं और फंसाने के लिए झूठे हलफनामे देते हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक एफआईआर दर्ज की और तीसा सीतलवाड़ नाम की महिला, जो खुद को चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहती है, उनका सच सामने आया। तीसा केवल सांप्रदायिक नफरत फैलाने की छोटी ब्रांच थी, उसका हेडक्वार्टर कांग्रेस में था। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि तीसा सीतलवाड़ के साथ रहे उनके एक साथी के बयान से स्पष्ट है कि लोग पीड़ित परिवारों के न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे। इनका निशाना गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी की सियासी पारी को खत्म करना था। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट में आस्था भी सुविधा के अनुसार होती है। टोटल न्यूज के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।